स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं कंप्लीटली टेक्निकल स्किल्स के बारे में। दोस्तों आज भी मैं वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको कंप्लीट टेक्निकल स्किल्स आप लोगों को बताऊंगा, किस तरह की टेक्निकल स्किल्स आपको आनी चाहिए। और साथ में दोस्तों आप लोगों के लिए इस वीडियो के लास्ट में कंप्लीटली बताऊंगा मैं पोर्टफोलियो के बारे में कि एक इंजीनियर को अपनी जॉब प्रोफाइल के लिए पोर्टफोलियो बनाना क्यों जरूरी है। कोई नहीं बताता लेकिन सिविल गुरुजी आप लोगों को बताएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और साथ के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी इंजीनियर के साथ जिनको अवेयरनेस की भारी कमी है इस फील्ड में। और साथ में यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट सिविल इंजीनियर से जुड़ी सभी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और जॉब प्रोफाइल के बारे में भी आपको कंप्लीटली हम बताते रहे। दोस्तों इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं यहां पर एक मैंने तराजू लेकर आया हूं, इस तराजू में इधर रखा है सिविल गुरुजी और यहां है मार्केट। देखिए ये क्या किस चीज का कंपैरिजन है, ये है टेक्निकल स्किल्स का कंपैरिजन कि मार्केट में क्या टेक्निकल स्किल्स मिलती हैं और सिविल गुरुजी क्यों उनसे भारी है। यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, एक और कंपैरिजन आप लोगों को दे दूं, वो है मार्केट प्राइस। यदि मैं इन्हीं टेक्निकल स्किल्स का यदि मार्केट प्राइस की बात करूं तो ये मार्केट कुछ इधर आ जाएगा और सिविल गुरुजी कुछ यहां पहुंच जाएगा। हो सकता है तराजू टूट जाए अगर मार्केट प्राइस की मैं बात करूं। आगे चलते हैं, यहां पर आप लोगों के लिए एक आते हैं गैप एनालिसिस। ये गैप एनालिसिस जिसको हमने रोड मैप में कंसिडर करा है ये आप लोगों के लिए है। बिल्कुल आप लोगों को जब मैं ये पढ़ाऊंगा अभी रोड मैप तो आप लोग अपनी कहानी समझेंगे इससे कि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है। जैसा कि यहां पर समझ में आ रहा है, यहां पर लिखा है यू आर हेयर। देखिए यू आर हेयर में मतलब इसका मतलब क्या है कि आप यहां पर स्थित हैं अभी, जिनके पास लैक ऑफ अवेयरनेस है, अवेयरनेस की भारी कमी है आप लोगों के पास। आप अवेयर नहीं है किस तरह की टेक्निकल स्किल्स आपको चाहिए, किस तरह से जॉब सर्च की जाती है मार्केट में, उन सब चीजों के लिए क्या है आप अवेयर नहीं है, इसलिए मैंने लिखा लैक ऑफ अवेयरनेस। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं यहां पर और नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं आपके पास क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल स्किल्स। देखिए प्रैक्टिकल स्किल्स क्या होते हैं, मोस्टली इंजीनियर्स ये मानते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स मतलब साइट पर जाएंगे हम और साइट पर जाके सीखेंगे वो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। हाँ मैं मानता हूं चलो है, लेकिन क्या वो 100% है? नहीं 100%। आप एस्टिमेशन बनाना साइट पर जाकर नहीं सीख सकते, आपको एस्टिमेशन बनाने के लिए एक ऑफिस चाहिए। आपको क्या चाहिए, आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर इंजीनियर द्वारा दी गई ड्राइंग आपको चाहिए एस्टिमेशन सॉल्व आउट करने के लिए। आपको शेड्यूल ऑफ रेट्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए एस्टिमेशन बनाते टाइम। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कंप्लीटली क्वांटिटी सर्वे निकालना आना चाहिए जो कि आप साइट पर जाकर नहीं सीखेंगे, आपको ऑफिस में बैठना ही पड़ेगा। मोस्टली सिविल इंजीनियर मानते हैं कि साइट पर जो काम करता है वही सिविल इंजीनियर। नहीं है दोस्तों, ये गलत है, एकदम 100% गलत है। ये 95% इंजीनियर आज भी साइट इंजीनियर हैं जो जॉब करते हैं 15,000 से 20,000 की। क्यों? क्योंकि स्किल्स नहीं है उनके पास, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है। वो वही मानते हैं कि साइट पर जाकर लेबर को संभालना ये प्रैक्टिकल स्किल्स है। ये प्रैक्टिकल स्किल्स बिल्कुल नहीं है, ये आपकी ग्रोथ कभी नहीं करा सकता। आपको यदि अपनी ग्रोथ करनी है तो आपको अलग अलग टेक्निकल स्किल्स सीखनी पड़ेंगी जो कि मैं वीडियो में आगे आपको लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रैक्टिकल स्किल्स आपको चाहिए यहां पर। इसके बाद बात करते हैं यहां पर आगे की, आगे रोड मैप में आप लोगों के लिए क्या रखा है, वो है फाइनेंशियल इशू। देखिए मोस्टली इंजीनियर्स के साथ एक दिक्कत होती है फाइनेंशियल इशू कि सबसे पहले कोर्स तो करना चाहते हैं, मतलब मेरे पास भी जो पर्सनली कॉल आते हैं तो कोर्स तो करना चाहते हैं लेकिन कुछ इशू आ जाता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम का। दोस्तों कोई इशू नहीं है फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए, मैं बैठा हूं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा फाइनेंशियल इशू कैसे सॉल्व आउट होगा और आप लोगों को इस फाइनेंशियल इशू के वजह से आगे कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। जो मार्केट में आपको लूटा जा रहा है, आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए इतने ज्यादा ज्यादा रेट लिए गए हैं, सिविल गुरुजी ने उसको एकदम खत्म कर दिया। क्योंकि सिविल गुरुजी जब भी कोर्स बनाता है मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं इंजीनियर्स, उन लोगों के लिए डिजाइन करते हैं सिविल गुरुजी, इसलिए फाइनेंशियल इशू को एकदम खत्म कर दिया। वीडियो के लास्ट में आप देखोगे कि किस तरह से आपको इतने महंगे महंगे कोर्सेज आपको किस अमाउंट पे आप लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है वो कंप्लीटली इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए बने रहिए वीडियो में। आगे चलते हैं यहां पे रोड मैप में आप लोगों के लिए क्या है और क्या गैप अभी बचा हुआ है। इसके बाद है प्लेसमेंट इशू। सबसे बड़ा इशू आता है जॉब कैसे लगाएं। देखिए आप लोग किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, जैसे मोदी जी आजकल कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, तो आप लोगों को भी आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर बनने के लिए ही तो मैं ला रहा हूं आप लोगों के लिए कोर्स जिसका नाम है पोर्टफोलियो कोर्स। उस पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो बनाना तो सिखाऊंगा ही, साथ में जॉब कैसे सर्च आउट की जाती है वो आपको सिखाऊंगा, जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर। हम उसमें आत्मनिर्भर बनने के लिए आपकी क्वालिटी को ही इंप्रूव करके, आपके टैलेंट को ही इंप्रूव करके आपकी जॉब लगवाएंगे। इसलिए कोर्स है आप लोगों के लिए पोर्टफोलियो कोर्स, जिसके बारे में वीडियो के लास्ट में मैं कंप्लीटली डिटेल में आपको पोर्टफोलियो कोर्स के बारे में जानकारी दूंगा। आगे चलते हैं यहां पर, अब आता है मेन इशू। देखिए मेन इशू क्या है, अब है गैप। अब आ गया एक गैप, इतनी चीजें हमको पता चल गई हमारे पास क्या नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। सबसे पहली कमी कौन सी है, अवेयरनेस। दूसरी कमी प्रैक्टिकल स्किल्स। इसके बाद फाइनेंशियल इशू, सबसे बड़ी दिक्कत है फाइनेंशियल इशू। उसके बाद प्लेसमेंट इशू। अब आया मेन चीज, वो है गैप।
ये गैप कैसे फिल किया जाए? ये गैप केवल एक ही तरीका फिल करने के लिए, हम ट्रेनिंग ले लें। किस चीज की ट्रेनिंग ले लें? कि साइड पर जाके खड़े हो जाए, ये ट्रेनिंग। मोस्टली इंजीनियर गलती करते हैं इस चीज की, चाहे वो इंटर्नशिप की बात करूं मैं, मोस्टली इंजीनियर साइड पर जाके खड़े हो जाते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं केवल सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं, कुछ ऐसे भी इंजीनियर्स होते हैं। आपको वो काम नहीं करना, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए आप घर में बैठे हो और आपके फोन में आपकी ट्रेनिंग चल रही हो, ऐसी ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में किस तरह की ट्रेनिंग आपको मिलती है। साथ में जॉब ट्रेनिंग आपको लेना बेहद ही जरूरी है। देखिए, जॉब ट्रेनिंग में आप क्या सीखते हैं? कॉन्फिडेंस बढ़ाना सीखते हैं अपना। मतलब मैं आपसे कहूं कि आपको जो है कास्टिंग करवानी है, तो आपके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कास्टिंग करवाने की। आपको पता होना चाहिए कास्टिंग करवाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, जैसे स्लैब कास्टिंग चलती है, कॉलम कास्टिंग चलती है, उनकी क्या चेकलिस्ट होती है, कितना क्यूबिक मीटर उसमें हमारा वॉल्यूम कंक्रीट आएगा। ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें बताना पड़ता है अपने लेवर को, सुपरवाइजर को। ये सब एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप लोगों के अंदर होना चाहिए। ऐसी ट्रेनिंग आप लोगों को चाहिए जिससे आप कुछ इसी तरह से हंसते हुए इस रिवन को काटेंगे, जिसकी वजह से आप जॉब ट्रेनिंग ही केवल इसके लिए क्या बचा है, एकमात्र ऑप्शन है ऑल ओवर इंडिया। इसके बाद चलते हैं आगे कि आगे और क्या हमने रखा हुआ है यहां पे आप लोगों के लिए स्लाइड में। सबसे पहले यहां पर एक कंपैरिजन करता हूं। देखिए, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कंपैरिजन दिखाने के लिए एक तराजू लेकर आया था, वेइंग मशीन आप लोगों के लिए, सेम यहां पर मार्केट वर्सेस सिविल गुरुजी। सिविल गुरुजी कहां स्टैंड करता है मार्केट में, उसके बारे में यहां समझते हैं, कुछ पॉइंटों के माध्यम से समझाऊंगा आप लोगों को। कि देखिए, सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, कि क्या टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी की जब भी बात करते हैं सॉफ्टवेयर ध्यान में आता है, बिल्कुल। मैं भी सॉफ्टवेयर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। सॉफ्टवेयर जो मार्केट में करवाए जाते हैं वो करवाए जाते हैं कमांड बेसिस, जिसमें कि मैंने लिखा है कमांड बेसिस सॉफ्टवेयर कराए जाते हैं। लेकिन सिविल गुरुजी में जो सॉफ्टवेयर कराए जा रहे हैं वो है कमांड बेसिस विद रियल एप्लीकेशन। देखिए, रियल एप्लीकेशन वर्ड क्यों मैंने ज्वाइन किया यहां पर, देखिए आप लोगों ने, काफी लोग जो मुझे सुन रहे हैं अभी वीडियो में, काफी लोगों ने ऑटो कैड तो किया होगा अपनी लाइफ में, और करीबन मैं कहूं तो 5000 से लेकर 8000 ऑल ओवर इंडिया करीबन यही रेट होता है ऑटो कैड का, आपने ये तो किया होगा जरूर। लेकिन क्या मैं कहूं आपसे सबमिशन ड्राइंग बनानी आती है आपको? तो मोस्टली इंजीनियर जानते भी नहीं होंगे सबमिशन ड्राइंग होता क्या है, क्योंकि जो आपको सिखा रहा है ऑटो कैड वो क्या कभी फील्ड में उतर के आया? उसने जाना एक सिविल इंजीनियर को क्या जरूरत पड़ती है ऑटो कैड की? डेट इज कॉल्ड रियल एप्लीकेशन, जो मैं यहां पर लगा रहा हूं, यहां पर रियल एप्लीकेशन। आपको ऑटो कैड में क्या सीखना, यदि आपको ऑटो कैड करना भी अभी बाहर से कहीं भी आप ऑटो कैड सीख रहे हैं या सीखते हैं, तो आप उनसे कहिए कि मुझे सबमिशन ड्रॉइंग बनाना बस बताओ, मुझे बताओ कि साइट में क्या क्या दिक्कतें सामना करना पड़ता है वो मुझे बताओ, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस जनरेट हो। ये होता है सॉफ्टवेयर सीखना। आगे कहीं भी आप सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं या सीखने जाएंगे तो ये बात जरूर पूछिए उन लोगों से। आगे चलते हैं यहां पर नेक्स्ट, इसी स्लाइड में अगला पॉइंट जो मैंने रखा है यहां पर, जो कि आया फील्ड ट्रेनिंग से, कि मार्केट में जो फील्ड ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है उसमें सेपरेट कराते हैं। सेपरेट मतलब इंडिविजुअल, कि आप एस्टिमेशन सीख लीजिए, आप बिलिंग सीख लीजिए उसका अलग चार्ज लेंगे, क्वांटिटी सर्वे सीख लीजिए उसका अलग चार्ज लेंगे, इसके अलावा आपको और कुछ सीखना है तो उसका अलग चार्ज लेंगे। ऐसे ही होता है क्या दोस्तों? बिल्कुल, आपने सुना होगा कि एस्टिमेशन सीखने का अलग चार्ज, बिलिंग सीखने का अलग चार्ज, और मैं कहूं तो अगर सब सीख जाऊं तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं मुझको, कि एस्टिमेशन 22000 रुपए एस्टिमेशन, बिलिंग 22000 रुपए बिलिंग, क्वांटिटी सर्वे 14000 रुपए बिलिंग, कुछ इस तरह से रेट होते हैं मार्केट में। जैसा कि आपने सुना होगा सेपरेट ट्रेनिंग देते हैं, एक साथ नहीं देते वो ट्रेनिंग। लेकिन सिविल गुरुजी ने उस चीज को ओवरकम करते हुए मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या लेकर आए हैं? ओवरऑल ट्रेनिंग एट वन प्लेटफॉर्म। देखिए, जो मैं यहां पे बता रहा था फील्ड ट्रेनिंग, आपको फील्ड ट्रेनिंग के साथ साथ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग भी एक ही प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको कहीं जाने की अब जरूरत ही नहीं है, और वही रेट जो आप ऑटो कैड के लिए खर्च कर देना उसी रेट में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आप लोगों को आगे बताऊंगा क्या आपको इसके लिए फीस पे करनी होगी, लेकिन इसके बाद आगे चलते हैं वीडियो में। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इशू। देखिए, फाइनेंशियल इशू मैं पहले भी लेकर आया हूं, तो फाइनेंशियल इशू क्या आता है? जब हम मार्केट में जाते हैं तो हाई कोर्स फीस होती है ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग की फीस एकदम हाई होती है, जिसके कारण हम थोड़ा सा रुक जाते हैं और जाते हैं किसी ठेकेदार के अंडर, वहां जाके वर्क करते हैं, वो हमें एकदम निचोड़ लेता है, कुछ सिखाता भी नहीं है, और हम वहीं पर अपना लाइफ गुजार लेते हैं और सिविल इंडस्ट्री को एकदम बेकार बता देते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इस चीज को ब्रेक करने के लिए सिविल गुरुजी अफोर्डेबल कोर्स फीस लिया है कि सभी मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट जो भी बिलोंग करते हैं वो इस कोर्स में ज्वाइन हो सके, वो इस कोर्स में सीखने के बाद अलग अलग इंडस्ट्री में जाकर जॉब करें और किसी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा निचोड़ा ना जाए उनको, वो चीज यहां पर सिखाई जाती है, उस चीज को ओवरकम किया जाता है। क्योंकि अवेयरनेस, जैसा कि मैंने कहा, अवेयरनेस आएगी तो अर्निंग आएगी, लर्निंग बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी। आगे चलते इस वीडियो में, और इस वीडियो में जानते हैं और क्या पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। पर सबसे पहले आता है टाइम ड्यूरेशन। देखिए, मोस्टली जितने भी सिखाने वाले होते हैं, जितने भी आप लोगों को सिखाते हैं कि ऑटोकैड 3 महीने 4 महीने लेते हैं, लेकिन क्या सिखाते हैं? डिब्बा बनाना सिखाते हैं। कई प्लान बनाना सिखाया आपको?
प्लान बनाना नहीं सिखाते कोई भी। ये जो होती है इंक्रीज कोर्ट ड्यूरेशन, मतलब मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 5 दिन में ऑटोकैड सिखा दूं, 15 दिन में ऑटोकैड सिखा दूं, 20 दिन में ऑटोकैड सिखा दूं, आप मुझे कम पैसा दें, लेकिन मैं आपसे वही कह दूं कि 6 महीने लूंगा ऑटोकैड सिखाने के, आप ज्यादा पैसा दें, क्योंकि आप टाइम के हिसाब से जज करते हैं पैसे को, वीडियोस के हिसाब से जज करते हैं पैसों को। ये मार्केट की सिचुएशन है, ये हमारी क्या है मेंटेलिटी बन गई है कि जो ज्यादा देगा, ज्यादा टाइम लेगा, वो ज्यादा हमें पैसा दे सकते हैं उसको। यही मार्केट ने यहां पर क्या है आप लोगों से चुरा के इन चीज को किया है कि ज्यादा टाइम ड्यूरेशन लें और कम चीज सिखाएं। दिन का केवल 1 घंटा आप लोगों को सिखाएं लेकिन 6 महीने कर दें। लेकिन मैं दोस्तों यहां पर आप लोगों को दिन के सिखाता हूं 5 घंटे 6 घंटे, टाइम लेता हूं कम, क्योंकि आपको ट्रेनिंग के बाद जॉब पीरियड स्टार्ट करना है। जितना जल्दी आप जॉब करेंगे उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ डिपेंड करेगी, इसलिए शॉर्ट ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं कोर्स को खत्म करते हैं, जिसमें कंप्लीटली डिटेल में सिखाया जाता हूं। बहुत सारे इंजीनियर्स आज भी हम लोगों से बोलते हैं, जबकि मैंने यहां पर 1000 से ज्यादा इंजीनियर्स तो ऑफलाइन में प्लेस करवा दिए हैं और 2000 से ज्यादा इंजीनियर्स हमारे ऑनलाइन में यहां पर ज्वाइन है हमारे साथ, लेकिन अभी भी कुछ इंजीनियर्स चीज में डाउट करते हैं कि 3 महीने में कैसे कोर्स खत्म हो सकता है। हो सकता है, क्योंकि ये करके दिखाया सिविल गुरुजी हैं। देखिए लॉन्ग ड्यूरेशन में जाना हमारी आदत नहीं है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन में खत्म करना है, लेकिन ज्यादा चीज के साथ। आप लोग देखेंगे जाकर फ्री ट्रायल भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर, सिविल गुरुजी की एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसमें किस फॉर्मेट के हिसाब से आप लोगों को सिखाया जा रहा है, कंप्लीटली नोट्स अवेलेबल है, कंप्लीटली ड्रॉइंग्स अवेलेबल है, उसके आधार पर आप लोगों को कंप्लीटली सिखाया जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए यहां पर हम लोगों ने क्या रखा हुआ है। अगर सबसे पहले आता है आप यहां पर सपोर्ट की बात करते हैं, देखिए हमने कोर्स को ज्वाइन कर लिए, लेकिन सपोर्ट किस तरह से मिलती है, मार्केट में सपोर्ट क्या होती है, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं क्लासरूम ट्रेनिंग पे, कि क्लासरूम में ट्रेनिंग होगी इतना ही होगा, इतना ही आप लोगों को बताया जाएगा, इसके अलावा कोई आपके डाउट्स वगैरह शॉर्ट आउट नहीं होते हैं। लेकिन सिविल गुरुजी ने यहां भी आप लोगों के लिए एक सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड किया जो कि लाइफ टाइम बैकहेंड सपोर्ट। देखिए पहले मैं इसको और एलिबरेट कर दूं आप लोगों के लिए, सपोर्ट मतलब आप लोगों के लिए कंप्लीटली डाउट सेशंस होते हैं, वीक में पूरा वीक डाउट सेशन चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एस्टिमेशन में किसी तरह से डाउट आता है तो आपको मंडे शाम को 7 बजे आप लोगों के लिए सिविल गुरुजी एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है उसमें जाकर आप देख सकते हैं, 7 बजे मंडे को शाम को क्या होता है डाउट सेशन होता है। जब भी डाउट होते हैं इंजीनियर डायरेक्टली कॉल मिलाते हैं, एक नंबर दिया जाता है उनको और अपने ट्रेनर से डायरेक्टली डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। डाउट सेशन की कोई बाउंडेशन नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा, जितना ज्यादा डाउट उतने ज्यादा हमारे ट्रेनर यहां पर बैठे रहते हैं डाउट सेशन के लिए। अगर आपको रैबिट आर्किटेक्चर में किसी तरह का डाउट आता है तो ट्यूजडे शाम को 7 बजे आना होता है। यदि आपको ऑटोकैड में किसी भी तरह का डाउट आता है तो वेडनेसडे शाम को 7 बजे आना होता है। यदि आपको ईटैब में किसी तरह का डाउट होता है तो थर्सडे शाम को 7 बजे आना होता है। यदि आपको क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस में किसी भी तरह का डाउट आता है तो फ्राइडे शाम को 7 बजे आना होता है। यदि आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में किसी भी तरह का डाउट आता है तो आपको सैटरडे शाम को 7 बजे आना होता है। और लास्ट यदि आपको बिलिंग इंजीनियरिंग में किसी भी तरह का डाउट है तो संडे शाम को 7 बजे अपना डाउट आप क्लियरिफाई करा सकते हैं। एक नंबर दिया जाएगा आपको, उसके द्वारा आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं क्लियरिफाई करा सकते हैं डाउट को। आगे चलते हैं यहां पर दोस्तों, अब समझते हैं टेक्निकल स्किल्स के बारे में कि किस तरह की टेक्निकल स्किल्स आपको आना चाहिए और वो आ जाएगा तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए समझते हैं यहां पे ऑनलाइन में आप लोगों को क्या-क्या चीजें यहां पर स्किल्स के हिसाब से सिखाई जाती हैं। सबसे पहले है एस्टिमेशन। देखिए दोस्तों एस्टिमेशन मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, पहला वर्ड होना चाहिए कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कि आपको कंप्लीट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पता होना चाहिए, आपको पूरे बिल्डिंग का कंप्लीटली शेड्यूल ऑफ रेट्स में क्या-क्या आइटम्स दिए होते हैं उसके हिसाब से एस्टिमेशन बनाना चाहिए। साथ में आपको बिल ऑफ क्वांटिटी जिसको बोलते हैं BOQ शीट, जो कि एक क्लाइंट को देना होता है हमको बिल ऑफ क्वांटिटी शीट, वो आपको कंप्लीटली यहां पर आना चाहिए, जिसके लिए हम यहां पर एस्टिमेशन पार्ट में वो कवर अप कराते हैं। इसके बाद देखते हैं और क्या टेक्निकल स्किल्स आप लोगों को आनी चाहिए। सबसे पहले क्वांटिटी सर्वे की बात करते हैं। क्वांटिटी सर्वे और रेट एनालिसिस होता है जिसमें आप लोगों को जितने भी हमारे साइट पे आइटम्स होते हैं उनमें कितना क्वांटिटी, मतलब मेंबर्स जैसे कंक्रीट वर्क हो गया, कहीं भी हमने कंक्रीट किया, ब्रिक वर्क किया, प्लास्टर किया, शटरिंग किया, इन सब के आइटम्स की हम क्वांटिटी निकालते हैं, कितना सीमेंट, कितना सैंड, कितना एग्रीगेट, कितने मैसन, लेबर, बिस्ती के रेट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट क्या होगा, वो कंप्लीटली जानते हैं हम कहां पे अपने क्वांटिटी सर्वे वाले पार्ट में। नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं तो रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस में इनके क्या रेट्स दिए गए अकॉर्डिंग टू IS कोड 727/1974 में जो पब्लिश हुआ है उसके अनुसार रेट एनालिसिस सिखाया जाता है। नेक्स्ट आपके लिए है बार बेंडिंग शेड्यूल। के बहुत ही हॉट टॉपिक है इंडिया में, एक सिंगल बुक अवेलेबल नहीं है बार बेंडिंग शेड्यूल की, लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए सभी तरह के स्ट्रक्चरल मेंबर को सॉल्व आउट करते हुए हम यहां पे सिखाते हैं आप लोगों को बार बेंडिंग शेड्यूल। और आप लोगों के लिए टेक्निकल स्किल है ये बार बेंडिंग शेड्यूल, यदि आपको नहीं आता साइट पे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। इसके बाद हम यहां पर लेते हैं इसके अलावा बिलिंग वर्क। देखिए बिलिंग वर्क मतलब, देखिए 3 तरह का बिल बनाता है एक इंजीनियर,
और साथ में बिलिंग इंजीनियर के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक वीडियो है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिलिंग इंजीनियर, आप उसको जाकर वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा बिलिंग इंजीनियर करता क्या है एक्चुअल में। मोस्टली इंजीनियर चाहते हैं बिलिंग इंजीनियर बनना, लेकिन ये तो समझ लो करता क्या है एक बिलिंग इंजीनियर, कहीं जाना है तो उसका रास्ता पता होना चाहिए, बिलिंग इंजीनियर बनना है तो उसके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। बिलिंग इंजीनियर मतलब तीन तरह के बिल बनाएगा, सबसे पहले आपको सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए नॉर्म्स के आधार पर बिल बनाना आना चाहिए, फिर आपको आइटम वाइज बिलिंग जो कि एक बिल्डर के लिए हम बिलिंग बनाते हैं तो वो बिलिंग आनी चाहिए, साथ में स्लैब रेट बिलिंग कि कॉन्ट्रैक्टर का बिल कैसे बनाएं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदेही हमारी है साइट पर रहते हुए, तो कॉन्ट्रैक्टर का बिल कैसे बनाएं, स्लैब रेट के हिसाब से बिल बनाते हैं कॉन्ट्रैक्टर का, ये कंप्लीटली बिलिंग इंजीनियर में आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। साथ में दो पार्ट और लूंगा मैं बिलिंग इंजीनियर में आप लोगों के लिए, रिकंसिलिएशन और प्राइस एस्केलेशन, मतलब साइट पर आने वाले मटेरियल का ऑडिट कैसे करोगे आप, एक बिलिंग इंजीनियर का वर्क आता है, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा रिकंसिलिएशन पार्ट, और साथ में प्राइस एस्केलेशन में कंप्लीटली आप जानेंगे कि किस तरह से यहां पे हम प्राइस को एस्केलेट करके, कोई प्रोजेक्ट निकला है 2014 में लेकिन रेट लेना है मुझे 2019 वाले SOR से, कैसे लूंगा, प्राइस एस्केलेशन से लूंगा, जिसके लिए इंडियन इकोनॉमी एडवाइजरी एक वेबसाइट है जिसपे कंप्लीटली हर एक मटेरियल का परसेंटेज दिए कितना उसका परसेंटेज हम क्या कर सकते हैं इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं यहां पर सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर में सबसे पहला जब भी सॉफ्टवेयर का नाम आता है सिविल इंजीनियरिंग लाइफ में तो एक ही सॉफ्टवेयर सबसे पहले नाम में आता है, वो है ऑटोकैड। क्या करना होता है आपको ऑटोकैड में, क्या आपको जाकर डिब्बे बनाना होता है कि आपको डिब्बा बनाना आना चाहिए, ये ऑटोकैड में प्लान बनाना आना चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु प्लानिंग, ये पूछता है एक इंटरव्यूअर आप लोगों से कि प्लानिंग बना करना जानते हो क्या, क्या आप अकॉर्डिंग टू वास्तु प्लानिंग जानते हो, सबमिशन ड्राइंग बना लोगे इस कंपनी के लिए, ये चाहता है एक एम्प्लॉयर आपसे, और आपका हक बनता है एम्प्लॉय होने का कि आपको ये सब पार्ट आना चाहिए किसमें, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। इसके बाद आता है रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर जिसमें आपको 3D एलिवेशन, मतलब एक क्लाइंट है उस क्लाइंट को आपको उसका फ्रंट व्यू समझाना कि कैसा दिखेगा बनने से पहले उसका घर, वो आपको बताना है उसको, कैसे बताओगे उसका वॉक थ्रू, वो सीखते हैं किसमें, रैबिट आर्किटेक्चर। ये सॉफ्टवेयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर करने के बाद आप खुद की कंसल्टेंसीज भी ओपन कर सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कौन सा, रैबिट आर्किटेक्चर। नेक्स्ट की बात करते हैं ईटैप। अब बिल्डिंग में आप लोग बिल्डिंग बना रहे हैं लेकिन बिल्डिंग में ये नहीं पता कि 16 mm का बार आया किसी बीम में या कॉलम में तो क्यों लगाएं, क्यों M25 कंक्रीट में यूज करूं, तो एनालिसिस और डिजाइनिंग तो करना पड़ेगा ना आपको, ये क्वालिटी होती है ईटैप सॉफ्टवेयर की। देखिए किताबें पढ़ने से काम नहीं होगा, रियल इंप्लीमेंटेशन से काम होगा, ये है गोल्डन वर्ड इस वीडियो का, किताबें पढ़ने से काम नहीं होगा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने से ही आपका ग्रोथ होगा। इसके बाद बात करते हैं हम MSP माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जिसमें कंप्लीटली आप लोगों को, देखिए MSP सॉफ्टवेयर ये मान के चलते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर यूज करते हैं लेकिन एक साइट इंजीनियर को भी यूज पड़ता है इसका, क्यों यूज पड़ता है, क्योंकि उसको भी शेड्यूल करने पड़ते हैं लेबर्स को, उसको भी शेड्यूल करने पड़ते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, इसलिए MSP सॉफ्टवेयर एक साइट इंजीनियर के लिए भी क्या होता है, बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। अब दोस्तों ये तो समझिए आपने टेक्निकल स्किल्स के बारे में कि क्या क्या टेक्निकल स्किल्स होती है, अब समझते हैं यहां पर कि इंडस्ट्री बेस्ड प्रैक्टिकल नॉलेज हम ऑनलाइन में कवर होते हैं, रेगुलर लाइव डाइट सेशन होते हैं जो कि मैंने आपको बताया कि एक पूरा शेड्यूल बता दिया, आप वीडियो को वापस जाके देख सकते हैं, एक डाउट सेशन के लिए पूरा मैंने कंप्लीटली आप लोगों को परफॉर्मेंस बताया किस तरह से डाउट सेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। अब आता है दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कि ऑनलाइन में मोस्टली लोग क्या करते हैं, जूम ऐप पर आते हैं और पढ़ा के चले जाते हैं, अब आपको वही लेक्चर दोबारा देखना हो तो कोई नहीं देता, लेकिन आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड लाइव सेशंस लाए गए हैं जो कि 2 साल तक आप कोई भी वीडियो साइट पर, यदि किसी चीज में आपने सीखा, सीखने के बाद साइट पर गए कुछ चीजों में फंसे, आप दोबारा से उस वीडियो को ओपन करो और देखो अपनी परेशानी कहां पर है, 2 साल तक आप लोग क्या कर सकते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये भी सिविल गुरुजी इस चीज में भी क्या है, भारी हो गया है मार्केट से। साथ के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस ऑल ओवर इंडिया, मतलब हमारा जो HR डिपार्टमेंट है वो प्लेसमेंट असिस्टेंस यहां पर प्रोवाइड करता है आप लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों इससे पहले, प्लेसमेंट असिस्टेंस से पहले, आप लोगों को पोर्टफोलियो जानना बेहद ही जरूरी है। अभी आपको वीडियो में मैं बताऊंगा कि पोर्टफोलियो क्या होता है, क्यों आप लोगों के लिए जरूरी होता है। इसके बाद हम यहां पर समझते हैं कि एक फाइनेंशियल इशू की एक परेशानी थी जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था वीडियो के लास्ट में, आप समझ सकते हैं EMI अवेलेबल है, मतलब इस कोर्स के लिए EMI क्या है, अवेलेबल है। यदि आप EMI के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस
बोर्ड लाइन पे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, जिसमें आपको कंप्लीटली जानकारी दी जाएगी कि किस तरह से आप ईएमआई पैटर्न में जा सकते हैं। इसके बाद अब यहां पर ये टेक्निकल स्किल्स कहां से कवर करेंगे, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स से आप कवर कर सकते हैं। जितना मैंने आपको अभी डिटेल में बताया है वो सब अवेलेबल है यहां पर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में, जिसकी फीस है 35,400। घबराइए मत दोस्तों, 35,400 फीस है, लेकिन मैंने इसको अब कट कर दी। यहां पर कट करके अब जो फीस रहेगी आपकी, जानना चाहोगे कितना रहेगा? एक मिडिल क्लास फैमिली जो अफोर्ड कर सकता है, देखिए ये अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं भी जानता हूं 35,400 रुपए देना बहुत भारी फीस हो जाता है आप लोगों के लिए, लेकिन दोस्तों ये आपको 9,000 रुपए में प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन कैसे, जानना चाहोगे कैसे करना है? एक कूपन कोड लगाना है आपको, अप्लाई करना है कूपन कोड, जो कि कूपन कोड होता है गुरुजी, आप लोग देखेंगे यहां पर कूपन कोड, ये 35,400 रुपए यदि आप कट करना चाहते हैं तो इस गुरुजी कूपन कोड को लगाइए और आप अपने लिए इस कोर्स को 9,000 रुपीज में आप क्या हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं इस कोर्स को। दोस्तों यदि आप चाहते हैं ज्वाइन होना तो आप लोगों के लिए केवल 12 जुलाई 2020 तक ये मौका है, और 12 जुलाई 2020 के बाद ये कोड क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं अपने लाइफ में ग्रोथ करना, जैसा मैंने आप लोगों को टेक्निकल स्किल्स और रोड मैप के सहारे समझाया, तो आप लोग अपनी जिंदगी में ग्रोथ पा सकते हैं। अब आता हूं पोर्टफोलियो वाले पार्ट पे। देखिए दोस्तों, आप लोग जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को मैं गाइड करूंगा पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो मतलब कि एक अपने बारे में अपने इंटरव्यूअर को कैसे बताएं, कैसे बताएं कौन कौन से प्रोजेक्ट हमने संभाले हैं, आप चाहे फ्रेशर हो, लेकिन मैं आपको एस्टिमेशन पार्ट, बार बेंडिंग शेड्यूल पार्ट, क्वांटिटी सर्वे, बिलिंग, सभी में प्रोजेक्ट हैंडल करवाऊंगा कि आप लोग प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करते हैं। प्रोजेक्ट हैंडल मतलब साइड पर जाकर खड़ा होना नहीं है, प्रोजेक्ट हैंडल मतलब किस चीज के ड्रॉइंग्स को आपने सॉल्व आउट करना सीखा, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट हैंडल। तो वो आपका क्या बनेगा, पोर्टफोलियो बनेगा। उस पोर्टफोलियो कोर्स में कंप्लीटली आप लोगों को बताया जाएगा कि किस तरह से जॉब पाई जाती है, क्या तरीके होते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं हमारी जॉब पाने की, इसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब सीढ़ी चढ़ना जरूरी है ना, वो सीढ़ी जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो वो कंप्लीटली पोर्टफोलियो कोर्स में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आऊंगा, जिसमें आप लोगों को कंप्लीटली और भी डिटेल में आप देता रहूंगा। इस कोर्स को इंडिया का नंबर वन कोर्स बनाने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक नमस्कार।